दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आ चुका हूँ जिससे आप लोग को कार्टून वीडियो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पहले कार्टून वीडियो पे कितना सारा व्यूज आता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से वीडियो बनाना है। उसके लिए दोस्तों चलते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टोरी, कार्टून स्टोरी, बस इतना सर्च करता हूँ कार्टून स्टोरी वीडियो, बस इतना लिख के सर्च करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा व्यूज आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 घंटे पहले अपलोड हुआ है, 43,000 व्यूज है, बहुत व्यूज आ रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले 40,000 व्यूज, और आगे लेके चलता हूँ मैं 2 दिन पहले 5 लाख व्यूज, और आगे लेके चलता हूँ मैं और भी बहुत सारा व्यूज दोस्तों आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 20 घंटा पहले 1.3 लाख व्यूज आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों कार्टून वीडियो में बहुत सारा व्यूज आता है, आप लोग को मैंने दिखा दिया। अब किस तरह से बनाना है चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे प्ले स्टोर पर और एक अप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कौन सा अप्लीकेशन है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप लोग को आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद बाइबल फॉर किड्स इतना लिख के सर्च कर देना है। इतना लिख के सर्च करने के बाद आप लोग को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने मार्क कर दिया है। इस एप्लीकेशन को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है चलिए वो बताते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को ओपन करना है, चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भाषा वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भाषा वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपना जो भी आपका भाषा होगा वो भाषा सेलेक्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे म्यूजिक भी बंद कर दीजिएगा, म्यूजिक बंद कर सकते हैं, साउंड भी बंद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इतना कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा स्टोरी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा स्टोरी है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आप लोग बना सकते हैं, वीडियो की कमी नहीं होने वाली है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी है, एक गर्जता बचाओ। यहाँ पे इस स्टोरी को मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पढ़े वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है स्टोरी। तो यहाँ पे क्या करना, इस स्टोरी को आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि हमको वॉइस ओवर करने के लिए काम आए। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टोरी साइड में हो जाएगी, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे वीडियो हमारा एनिमेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इस तरह से एनिमेशन चालू करके और आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है। अभी आगे लेके चलना है, अगला सीन में लेके चलना है। यहाँ पे दूसरा स्टोरी का दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके बैक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं इसमें एनिमेशन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 3-4 सीन, जितना सीन मतलब पूरा वीडियो का सीन बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं अगला सीन में चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तीर वाला बटन पे, और फिर यहाँ पे स्टोरी आ जाएगी, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाहर चला जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर इनसे बोलेंगे, इस तरह से आप लोग को स्टोरी क्रिएट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, एडिटिंग करना होगा दोस्तों, इसमें इस वीडियो में एडिटिंग करना होगा, ताकि आप लोग को कॉपीराइट वगैरह नहीं आए और स्टोरी भी आप लोग अच्छे से वॉइस ओवर उसमें कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग के पास जो भी एडिटर सॉफ्टवेयर होगा उससे आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। मेरे पास है काइनमास्टर, तो मैं उससे यूज करके आप लोग को एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, 16:9 रेशियो लेके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए रहेंगे इसको ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले लिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेने के बाद जहाँ पे ये पार्ट आ रहा है इसको कट करेंगे। तो पहले जूम कर लेते हैं, इसको पेन एंड जूम करके छोटा छोटा आइकन को हटा कर देते हैं, हटा देते हैं मतलब। यहाँ से पेन एंड जूम पे जाएंगे,
और जो जो छोटा छोटा आइकन है सबको अंदर यहाँ पे छुपा देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद इक्वल पे क्लिक कर देंगे। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे कोई सा भी फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। फिल्टर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, पहले ये तो हमारा जो पार्ट है इसको कट करके बाहर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, और कट करके पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करके बाहर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको ट्रिम लेफ्ट कर देंगे। अब हमारा ये कट के बाहर हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, इस पर क्या करना है, जो आप लोग को मैंने स्क्रीन शॉट लेने के लिए बोला था स्टोरी, उसको आप लोग को एक नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है और उस कहानी में जो जो नाम है उस नाम को चेंज कर लेना है। नाम को चेंज करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और उस सारी स्टोरी को पढ़ लेना है। और पढ़ लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसमें एक अच्छा सा म्यूजिक लगा के और अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारा व्यूज़ देखने को मिलेगा आप लोग को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।